नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रीजनिंग का। दोस्तों कोई से भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओ दोस्तों, कोई से में बैठ जाओ दोस्तों, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी या दोस्तों फोर्थ क्लास से लेकर दोस्तों आरएसआईएस तक कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ दोस्तों, रीजनिंग का दोस्तों टॉपिक हर में जुड़ रहा है दोस्तों, हर सिलेबस के अंदर दोस्तों रीजनिंग का टॉपिक है दोस्तों। आपको बता दोस्तों, जो आज हम पढ़ाएंगे उसका नाम दोस्तों वेन आरए। आपको सबको पता होगा दोस्तों, आपने एग्जाम भी बहुत दिए होंगे तो आपको पता होगा कि वेन आरए के हर कंपटीशन एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 3 या 4% दोस्तों वेन आरए के पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधे वेन आरए के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक और उससे पहले दोस्तों, आपने हमारे और वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे और वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वेन आरए की ओर, कौन सा टॉपिक की ओर दोस्तों, वेन आरए की ओर चलते हैं। इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न दोस्तों आज तक क्या है वो सब आपको करवाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वेन आरए की ओर, तो वेन आरए की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहले चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट डाल लो दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट का अध्ययन करते हैं पहले। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, इसके अंदर दोस्तों, तो मैं आपको बता दोस्तों, इसमें एक डायग्राम दिया होता है और डायग्राम के हिसाब से दोस्तों प्रश्न पूछता है। तो चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की ओर, वेन आरए की टाइप नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसमें किस प्रकार का डायग्राम होता है, तो आपको बता दोस्तों जो डायग्राम होगा आपको वहां मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों ऐसा डायग्राम, ठीक है दोस्तों, ऐसा डायग्राम आपको वहां देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों यहां पर ये देखो दोस्तों, ऐसा डायग्राम आपको वहां देखने को मिलेगा। डायग्राम के हिसाब से दोस्तों आपको उत्तर देना पड़ता है, तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं दोस्तों छोटा सा, ये देख लो दोस्तों, ये डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, ये लो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है, ये डायग्राम बन गया। यहां पर दोस्तों लिख रखा है 8, ठीक है दोस्तों, यहां पर है 8, यहां पर है दोस्तों 9, यहां पर है 12, ठीक है, यहां पर है 3, यहां पर हो जाएंगे दोस्तों 10, यहां पर हो जाएंगे 6, यहां पर है 7, यहां पर है 13 और यहां पर हो जाएंगे दोस्तों 14, इसके अलावा यहां हो जाएंगे दोस्तों 4, ठीक है, यहां हो जाएंगे 11 और यहां हो जाएंगे 5, ठीक है दोस्तों। इसमें जो दोस्तों त्रिभुज है, त्रिभुज ये तो दोस्तों शिक्षित हैं, कैसे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, ठीक है, ये है दोस्तों वो शहरी हैं, ठीक है दोस्तों, कौन से शहरी व्यक्ति हैं ये, ठीक है, ये हो जाएंगे शहरी व्यक्ति, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये नागरिक अधिकारी हैं, कौन से हैं, नागरिक अधिकारी, ये हो जाएंगे दोस्तों नागरिक अधिकारी, और दोस्तों ये वाले हो जाएंगे पुरुष, ठीक है, इस जो डायग्राम में आ रहे हैं वो जाएंगे पुरुष। तो चलते हैं दोस्तों इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो पहला प्रश्न लेता हूं दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारा पहला प्रश्न रहेगा टाइप नंबर फर्स्ट का, निम्न में से ऐसे प्रश्न दोस्तों वेन आरए में पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन शिक्षित पुरुष है, ठीक है दोस्तों, क्या है, पुरुष है, निम्न से कौन शिक्षित पुरुष है जो शहर का निवासी नहीं है, शहर का निवासी नहीं है, पहला प्रश्न हो गया दोस्तों, पहला प्रश्न, ठीक है, शहर का निवासी नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों इसी में दूसरा प्रश्न पूछ लेगा आपसे, वो दूसरा प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन, ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन शहरी क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का दोस्तों, शहरी क्षेत्र का शिक्षित पुरुष है, शहरी क्षेत्र का शिक्षित पुरुष है, शिक्षित है दोस्तों, ठीक है, शिक्षित पुरुष है, ये दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है, शिक्षित पुरुष है। इसी में दोस्तों जो तीसरा प्रश्न पूछ लेगा आपसे वो तीसरा प्रश्न भी लिख लो, तीसरा प्रश्न कैसा रहेगा, निम्न में से कौन कौन निम्न में से
कौन अशिक्षित, कौन सा दोस्तों अशिक्षित, अशिक्षित शहरी पुरुष है, शहरी पुरुष है। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा ये हो गया, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, पहला प्रश्न कैसे पूछ रहा है उसकी ओर चलते हैं। निम्न में से कौन, निम्न में से कौन शिक्षित पुरुष है, निम्न में से कौन शिक्षित पुरुष है जो शहर का निवासी नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों पहले शिक्षित पुरुष की ओर चलते हैं। तो शिक्षित कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, तो शिक्षित तो हो जाएंगे दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों, शिक्षित ही हो जाएंगे और पुरुष हो गए ये, शिक्षित हो गए पुरुष भी हो गए ये, लेकिन पूछ रहा है शहर का निवासी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो शहर का निवासी नहीं होना चाहिए मतलब कि ये जो है दोस्तों व्रत, ये व्रत के अंदर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए, पुरुष के अंदर आना चाहिए, लेकिन व्रत के अंदर वो अक्सर नहीं आना चाहिए दोस्तों। कौन सा है जो दोस्तों शिक्षित में भी आ रहा है वो हो जाएगा दोस्तों 11, और जो पुरुष में भी आ रहा है वो भी हो जाएगा दोस्तों 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 11, ये वाला आंसर हो जाएगा 11। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर वो लिख लो 11, ठीक है 11 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन शिक्षित पुरुष है, तो दोस्तों शिक्षित वाला तो ये रहा, ठीक है शिक्षित ये रहा, और ये पूछ रहे हैं पुरुष, और पुरुष ये रहा मतलब कि त्रिभुज वाला वो तो है शिक्षित, त्रिभुज वाला है वो तो है शिक्षित, और जो ये दोस्तों आयत वाला है वो है दोस्तों पुरुष, आयत वाला है पुरुष, ये त्रिभुज वाला है शिक्षित, और एक गोला चक्कर है दोस्तों व्रत, ये व्रत वाला है दोस्तों शहरी व्यक्ति। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन शहरी पुरुष है, शहरी भी है पुरुष भी है, लेकिन लेकिन दोस्तों इसमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन शिक्षित भी है और पुरुष भी है लेकिन शहरी व्यक्ति नहीं है, मतलब कि व्रत में नहीं आना चाहिए, त्रिभुज में आना चाहिए और आयत में भी आना चाहिए, लेकिन ये व्रत के अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 है, जो शिक्षित भी है पुरुष भी है लेकिन शहरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन शहरी क्षेत्र का, ये ना दोस्तों देखो शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र का शिक्षित पुरुष है, शहरी क्षेत्र का शिक्षित पुरुष है। तो दोस्तों आपको बता दूं ऐसा कौन सा है दोस्तों जो व्रत में भी आ रहा हो, त्रिभुज में भी आ रहा हो और आयत में भी आ रहा हो। तो ये पूछ रहे कौन है शहरी क्षेत्र का, तो शहर में भी आ रहा हो, शिक्षित भी आ रहा हो और पुरुष भी आ रहा हो। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 4, ये 4 है दोस्तों, देख लो शिक्षित में भी आ रहा है, पुरुष में भी आ रहा है और शहरी में भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस वाले को हो जाएगा 4, ये वाला इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि दोस्तों ये पूछ रहे हैं शहरी क्षेत्र का भी हो तो शहरी क्षेत्र में भी देख लो दोस्तों शहरी व्यक्ति में भी आ रहा है, मतलब व्रत के अंदर भी आ रहा है, शिक्षित में भी आ रहा है दोस्तों, शिक्षित है क्या तरबूज, त्रिभुज दोस्तों तो त्रिभुज में भी आ रहा है, इसके अलावा दोस्तों पुरुष, ये पुरुष है दोस्तों, आयत, ये आयत वाला तो आयत वाले में भी दोस्तों ये आ रहा है 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, कौन अशिक्षित शहरी पुरुष है, कौन अशिक्षित शहरी पुरुष है, तो अशिक्षित कौन है दोस्तों, ये तो दोस्तों शिक्षित है, अपन को अशिक्षित चाहिए, तो शहरी, शहरी भी है पुरुष भी है लेकिन वो शिक्षित नहीं है दोस्तों, ठीक है शहरी भी है पुरुष भी है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 12, ये इसका आंसर हो जाएगा 12, क्यों दोस्तों अपन को चाहिए शहरी भी, तो शहरी हो जाएगा दोस्तों, व्रत वाला हो जाएगा, ये व्रत है दोस्तों, ये हो जाएगा शहरी, और ये पूछ रहे हैं पुरुष, तो ये आयत हो जाएगा दोस्तों पुरुष। तो ऐसा कौन सा है जो शहर मतलब व्रत में भी आ रहा हो और आयत में भी आ रहा हो, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं दोस्तों अशिक्षित चाहिए हमको, लेकिन ये त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमको अशिक्षित चाहिए तो शिक्षित हो जाएंगे, तो दोस्तों इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों, ये 12 हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो दोस्तों ये अशिक्षित में नहीं आ रहा है, हमको अशिक्षित चाहिए तो शिक्षित वाला चाहिए, नहीं दोस्तों अशिक्षित चाहिए तो जो त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा हो और पुरुष और शहरी के अंदर आ रहा हो दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा 12 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारी दूसरी टाइप रहेगी वो रहेगी दोस्तों, आगे चलते हैं अगली टाइप की ओर दोस्तों, आगे चलते हैं टाइप नंबर 2। पहली टाइप दोस्तों क्लियर हुई वीडियो में दोस्तों, यदि पहले टाइप समझ में नहीं आई तो वीडियो को रोककर वापस से इस वीडियो को देख लेना इसी टाइप को दोस्तों। आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। इसके अंदर दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 की ओर दोस्तों। देखो टाइप नंबर 2 में दोस्तों आपको बता दूं, टाइप नंबर 2 में इस प्रकार से दोस्तों एक ये देख लो दोस्तों ये डायग्राम, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों
त्रिभुज, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वृत्त, यहां से गलत हो गया दोस्तों, ये वृत्त, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां तो लिख रहा क्या है दो, यह लिख रहा क्या है चार, यह लिख रहा क्या है तीन, यह लिख रहा क्या है पांच, यह है दोस्तों सात, यह है छह, और यहां हो जाएगा दोस्तों नौ, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये त्रिभुज तो हो जाएगा दोस्तों, ये तो है ग्रामीण, कौन से है दोस्तों ग्रामीण हो जाएंगे, त्रिभुज वाले हो जाएंगे ग्रामीण। ये हो जाएंगे दोस्तों बेरोजगार, कौन से दोस्तों बेरोजगार, ठीक है। ये हो जाएंगे दोस्तों बेरोजगार, और जो व्रत के हैं दोस्तों ये व्रत के, ये हो जाएंगे शिक्षित, ये हो जाएंगे दोस्तों शिक्षित। इसमें दोस्तों कैसे प्रश्न पूछता है उनकी ओर चलते हैं, प्रश्नों की ओर दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, टाइप नंबर टू की बात करें दोस्तों, तो लिखो दोस्तों पहला प्रश्न, इसमें जो पहला प्रश्न पूछेगा आपसे, वो पूछेगा पहला प्रश्न, वो पूछता है कितने ग्रामीण, कितने ग्रामीण, कितने ग्रामीण ऐसे हैं, कितने ग्रामीण ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों, है जो जो क्या है दोस्तों बेरोजगार, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों टाइप नंबर टू, बेरोजगार, बेरोजगार। इसके अलावा दोस्तों देखो, बेरोजगार तथा अशिक्षित है, तथा अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है दोस्तों, कैसे है अशिक्षित है, पहला प्रश्न हो गया दोस्तों हमारा ये, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों जो हमारा रहेगा इसी में, वो रहेगा दोस्तों आपको बता दूं, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या पूछ लेगा दोस्तों, क्या पूछ लेगा, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, ग्रामीणों की संख्या, ठीक है, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या है दूसरा प्रश्न दोस्तों, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा प्रश्न जो पूछेगा, वो पूछ लेगा हमसे तीसरा प्रश्न, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है, कुल पूछ लेगा दोस्तों, ये वाला मोस्ट हो जाएगा दोस्तों, कुल शिक्षित, कुल शिक्षित, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या पूछ लेगा इसमें दोस्तों, ग्रामीणों की, ग्रामीणों की संख्या, की संख्या क्या है, ये दोस्तों लास्ट का प्रश्न होगा, क्या है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं देखो दोस्तों अब इनके किस प्रकार से करते हैं दोस्तों टाइप नंबर टू को, तो चलते हैं दोस्तों कितने ग्रामीण ऐसे हैं, चलो दोस्तों देखो कितने ग्रामीण ऐसे हैं, ग्रामीण दोस्तों ये रहे दोस्तों त्रिभुज वाले ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित है, बेरोजगार है लेकिन अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है, तो ये दोस्तों त्रिभुज है ना दोस्तों, व्रत, व्रत के अंदर नहीं आना चाहिए दोस्तों, ऐसे जो ग्रामीण, ग्रामीण हो और दो बेरोजगार हो दोस्तों, बेरोजगार हो लेकिन दोस्तों अशिक्षित हो, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा चार, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा चार। तो आंसर लिखो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, यह लिख लो दोस्तों आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों चार। किस प्रकार से चार दोस्तों, तो वापिस से बता देता हूं, वापिस से देख लो, कितने ग्रामीण ऐसे हैं, ग्रामीण है दोस्तों ये त्रिभुज है ना दोस्तों, ये तो है ग्रामीण, बेरोजगार है दोस्तों ये है वर्ग, ये है दोस्तों बेरोजगार, और दोस्तों ये व्रत वाले हैं, ये है दोस्तों शिक्षित, तो हमको दोस्तों शिक्षित नहीं चाहिए, अशिक्षित चाहिए, हमको दोस्तों ग्रामीण भी चाहिए, बेरोजगार भी चाहिए लेकिन शिक्षित नहीं चाहिए, मतलब कि ये दोस्तों व्रत है ना, व्रत के अंदर नहीं आना चाहिए, इन दोनों के अंदर आना चाहिए, तो दोस्तों ये चार है दोस्तों जो ग्रामीण में भी आ रहे हैं, बेरोजगार में भी आ रहे हैं लेकिन शिक्षित में नहीं आ रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार, इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लो ये व्रत के अंदर दोस्तों नहीं आ रहा है, ग्रामीण में भी आ रहा है, बेरोजगार में भी आ रहा है, मतलब कि वर्ग में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है लेकिन व्रत के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये पूछ रहे अशिक्षित, तो हमको शिक्षित तो चाहिए ही नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चार, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, ये दोस्तों देखो शिक्षित भी हो और ग्रामीण भी हो, शिक्षित भी हो और ग्रामीण भी हो, ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं दोस्तों शिक्षित भी और ग्रामीण दोनों हो लेकिन दोस्तों शिक्षित भी हो और ग्रामीण भी हो, तो देखो दोस्तों शिक्षित, तो देखो दोस्तों ये रहा पांच, ठीक है पांच है दोस्तों, ये पांच लिख रखा है, ये क्या है शिक्षित भी है, शिक्षित के अंदर आ रहा है और दोस्तों ये ग्रामीण भी है, ग्रामीण के अंदर आ रहा है लेकिन हमको दोस्तों बेरोजगार नहीं चाहिए, बेरोजगार नहीं चाहिए, तो तीन है दोस्तों, ये तीन ये तो दोस्तों वर्ग में भी आ रहा है, बेरोजगार में भी आ रहा है, तीन तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो शिक्षित और ग्रामीण चाहिए, बेरोजगार नहीं चाहिए, तो दोस्तों जो व्रत के अंदर आ रहा हो और त्रिभुज के अंदर आ रहा हो लेकिन दोस्तों इसके नहीं अंदर नहीं आ रहा हो, बेरोजगार के अंदर नहीं आ रहा हो, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, वो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पांच,
पांच इसका सही आंसर हो जाएगा, लिख लो दोस्तों पांच आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पांच, ठीक है पांच आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वापस बता देता हूँ, शिक्षित चाहिए हमको, ये व्रत में आ रहे हैं ये चाहिए शिक्षित है, और ग्रामीण चाहिए, ये ग्रामीण चाहिए त्रिभुज वाला, ठीक है हमको बेरोजगार नहीं चाहिए, मतलब जो व्रत के अंदर आ रहे हैं ना ये जो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये शिक्षित और ग्रामीण में दो आ रहे हैं, एक तो पांच भी आ रहे हैं एक तीन भी आ रहा है, लेकिन जो तीन है ना दोस्तों ये बेरोजगार में भी तो आ रहा है, बेरोजगार हमको चाहिए नहीं, तो तीन तो हो ही नहीं सकता, बचा क्या दोस्तों पांच, तो पांच इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षित भी है ग्रामीण है लेकिन बेरोजगार नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, कुल पूछ रहे हैं दोस्तों कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है दोस्तों, शिक्षित भी हो ग्रामीण भी हो दोनों हो लेकिन दोस्तों बेरोजगार नहीं होने चाहिए, ठीक है ये कुल पूछ रहे हैं दोस्तों, कुल कुल शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों कुल पूछ रहा है ये, तो दोस्तों पांच और तीन आठ, आठ इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षित ये भी है, पांच दोस्तों शिक्षित भी है ग्रामीण भी है, और तीन दोस्तों शिक्षित भी है ग्रामीण भी है, और कुल पूछ रहा है ये दोस्तों अपन से, क्या पूछ रहा है कुल पूछ रहा है, यदि दोस्तों अपन से कुल नहीं पूछता तो दोस्तों इसमें सिर्फ ये आंसर आ जाता, लेकिन कुल पूछ रहा है तो कुल में दोस्तों पांच भी आ जाएगा तीन भी आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पांच प्लस तीन बराबर आठ, पांच प्लस तीन बराबर आठ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक कुल पूछ रहा है कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, तो ये दोस्तों दोनों गुणा आ जाएंगे दोस्तों पांच और तीन आठ, क्योंकि दोनों ही दोस्तों शिक्षित में भी आ रही है ग्रामीण में भी आ रही है, लेकिन तीन दोस्तों बेरोजगार में भी आ रहा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कुल दोस्तों, तो कुल में दोस्तों दोनों गुणा आएंगे, तो पांच और तीन प्लस पांच और तीन कितने हो जाएंगे दोस्तों आठ हो जाएंगे दोस्तों, तो हमारी टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर टू दोस्तों दोनों क्लियर हो गई है। आगे दोस्तों कल हमारी क्लास आएगी टाइप नंबर थ्री और टाइप नंबर फॉर के दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों कैसे लगे कमेंट करके बताइए, वीडियो याद याद दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और हमारे वीडियो को दोस्तों नीचे प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों और वीडियो देख सकते हो, धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देख